हिंदुस्तान की जय बोल दो। वंदे मातरम। सुनो सुनो मेरे भाई, पता चल गया किस, अरे सुनो 40-45 मिनट से बहस कर रहा हमारे साथ, पता चल गया इसकी दिमाग में क्या है क्या नहीं। मैं बोल रहा हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, ये बोल जिंदाबाद। वंदे मातरम से जिंदाबाद बोल सकते हैं? वंदे मातरम से दिक्कत है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल सकते, बोलिए मेरी बात सुनो। अरे भैया मेरी बात सच्चे हिंदुस्तानी, एक बार वंदे मातरम। मेरे को हिंदी समझ नहीं आती है, मैं सब भाई ने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैंने बोला मुझे जिंदाबाद का मतलब समझ आता है, मैंने बोला इंडिया, सुनो मेरी बात, मैंने बोला मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने बोला, मैंने ये मत ना बोला कि मैं कश्मीरी हूँ, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैं इंडियन हूँ, मैंने ये भी बोला कि इंडिया जिंदाबाद। जो मुझे हिंदी भाषा, मेरी हिंदी भाषा नहीं है, मैं हिंदी भाषा में कुछ बोलूंगा ही, मैं बोला मैं हिंदी मातरम का मतलब बता मुझे उर्दू में, मैं बोल दूंगा। कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? कौन सी भाषा? अगर ये उर्दू है तो सुनो मेरी भाषा सुनो, मैं अरे रुक जाओ भाई एक मिनट, अरे हिंदी पढ़ी नहीं है, सुनो फिर मेरी पाकिस्तानी भाषा सुनो, ई चाची चाचू चाची चू चाची चू, फिर ये मेरी भाषा है? मुझे ये भी समझ नहीं आई, मुझे पाकिस्तानी भाषा भी समझ नहीं आती। भैया मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, ये शब्द किसका है, हिंदी का, फारसी का, उर्दू का है? कौन सा शब्द? हिंदी नहीं बोलनी आती, कौन हिंदी? हिंदी है तो हिंदी बोलनी तो आ रही है, आप कह रहे हिंदी बोलनी नहीं आती, मुझे पूरी समझ नहीं आई। मातरम से आपको मैंने हिंदी पढ़ा है, मातरम से आप लोगों को नफरत नहीं है? मैंने कब बोला? मैंने बोल दिया मुझे मैंने बोला कि मुझे हिंदी में बातें समझ नहीं आती। भैया मैंने उर्दू नहीं पढ़ी। अरे यार 40 मिनट से बहस कर रहा, तुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही, भारत माता की जय बोलने में तुझे शर्म आ रही है, वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहा तू? ये चीज बोलनी पड़ेगी, इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलनी पड़ेगी। मैं तो सुनी नहीं, सारी जनता बोल रही है भारत माता की जय, आपको अकेले को दिक्कत क्यों है? मैंने अरे नोट है ना, इस नोट में सबसे पहले हिंदी लिखा हुआ है, अगर मोदी नहीं होता ना तो यहाँ हो सकता है उर्दू कर देते। अरे नहीं, नोट में भी अरे हिंदी लिखा हुआ है। उस कंट्री से है जहाँ जीना मामा छपे होते हैं क्या? उससे आया क्या तू? जहाँ जीना मामा छपे होते हैं वे नोट यूज करता है क्या? वही नोट यूज करते हो क्या? यही चलता ना। ये क्या लिखा है? ये क्या अरे ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये नोट अरे अरे सुन, अरे भैया रुको, अरे भैया अरे ये लिखा है यार, ये नोट कितने का है? ये कैसे कह दिया तुमने 100? ये कैसे कह दिया 100 का? ये तो हिंदी में 100 ही बोला जाता है, उर्दू में क्या बोला जाता है? उर्दू में क्या बोला जाता है? 100 ही बोलते हैं। अरे यार भैया देश हमारा चुरा लिया, भाषा हमारी है पूरा, वहाँ पाकिस्तान में पता क्या कहते हैं? ऐसे उठे किथे जाएगा, वो भी हमारी है भैया। भाई अरे सुन, मतलब अरे ना भाई, कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम है ना, देखो वहाँ की एजुकेशन में हिंदी पढ़ाते नहीं है। अरे सुन 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 भाई, भाई की गलती नहीं है, भाई उसी विचारधारा का है। अरे भाई उसी भाई उसी विचारधारा का है जो पत्थरवादों की विचारधारा होती थी, ठीक है ना भाई, उसी विचारधारा का लिख। अरे इधर खड़ा सुनो, 8 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे रहता दिल्ली में नहीं रहता, मैं तो कश्मीर में रहता हूँ, जिन्हू में रह रहा हूँ। दिल्ली में रह रहे हो, हिंदी हिंदी पढ़नी ही नहीं आती है मुझे, मैं ऐसे ऐसे में मदरसे में नहीं, स्कूल में पढ़ा हूँ, स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल में, उधर हिंदी पढ़ी में दिल्ली में काम करता हूँ। और दिल्ली में काम करते हैं जो आप किसी भी कंपनी में किसी भी फील्ड में काम करते हैं, वहाँ के लोग आपको समझाते हैं। एक मिनट भैया, भैया एक मिनट, अरे भैया एक मिनट रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ भाई, सुनो भैया मेरी बात सुनो, तू अपने आप को भारतीय मानता है? मैंने बोला मुझे हिंदी करनी आती है, हिंदी पढ़नी नहीं आती, हिंदी पूरी समझ, सुन ले यार, अपने आप को भारतीय मानता है? मानता? मेरी यह भाषा समझ में आई तुझे? मैंने तुम्हें बोला अपने आप को भारतीय मानता है, समझ में आई? भारत माता की जय नहीं समझ में आई? भारत सुनो मेरी बात, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने ये बोला, समझ में नहीं आई?
सुनो मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि यही तो नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है। वंदे मातरम से नफरत क्यों आप लोगों को? इतनी जनता बोल रही है यार, इतनी जनता बोल रही है तो गलत तो नहीं बोल रही? बोला मैंने ये बोला मजबूरी है, अगर वो बोल देंगे तो कमाई बंद हो जाएगी।